वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सोनू दोस्तों मैंने अभी-अभी बैर ग्रिल्स का एक नया शो देखा है नेटफ्लिक्स पर शो का नाम है एनिमल्स ऑन द लूज अ यू वर्सेस वाइल्ड मूवी अब ये शो का कॉन्सेप्ट मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि ये शो में मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेगा एज अ व्यूअर आपके स्क्रीन पे मल्टीपल ऑप्शंस आएगा जैसे अगर आप अपने आप को जंगल में पाते हो जंगल में खो गए हो और आपके सामने कुछ संकट आ जाता है कुछ डेंजर आ जाता है लाइक वाइल्ड एनिमल्स हो या फिर आपको रिवर क्रॉस करना है या कुछ भी है तो उसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेगा इन रियल लाइफ भी तो वो मल्टीपल ऑप्शंस में से कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है और वो बेस्ट ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो वो ऑप्शन को यूज करके अपने आप को आप कैसे बचा सकते हो ये पूरा चीज बेयर ग्रिल्स ये शो में आपको दिखाएगा लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आपको एक बड़ा सा सी क्रॉस करना है तो उसमें राफ्ट कैसे आप बना सकते हो यूजिंग प्लास्टिक बॉटल्स एंड कंटेनर्स एंड दिस एंड दैट वो एक ऑप्शन है या फिर दूसरा ऑप्शन है आप स्विम कैसे कर सकते हो और आपके पास बैग है तो बैग को कैसे पहनना है या नहीं पहनना है उसका ऑप्शन है या फिर तीसरा ऑप्शन है माउंटेन क्लाइंब करके विदाउट गेटिंग इन द वॉटर हाउ कैन यू क्रॉस दैट पर्टिकुलर रिवर एंड गेट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन हाउ कैन यू मेक दोज नॉट्स वगैरह वगैरह सो ये तीन ऑप्शन आपके सामने आपके स्क्रीन पर आपको दिखेगा आप रिमोट के सहारे चूज कर सकते हो कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है और वो ऑप्शन एक्सप्लेन करेगा दिखाएगा डेमोन्स्ट्रेट करेगा बैर रिल्स या फिर चाहे तो आप तीनों ऑप्शन भी देख सकते हो दूसरा एक लाइन वाला सीक्वेंस है जब एक लाइन आपको अटैक करता है तो वहां पे भी दो तीन ऑप्शन आएगा लाइक एक तो पेड़ पे चढ़ने वाला ऑप्शन दूसरा ट्रक के नीचे घुसने वाला ऑप्शन तीसरा बुशेस में वो बुशेस में भागने वाला ऑप्शन तो ये तीनों ऑप्शन आप चूज करके देख सकते हो बैर ग्रिल कैसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है पेड़ पे कैसे चढ़ के बैठना है या फिर ट्रक के अंदर कैसे घुसना है यू नो या फिर बुशेस में कैसे भाग के जाना है तो ये डेमॉन्स्ट्रेशन ये मल्टीपल चॉइस जो ऑप्शन आता है तो इसलिए यू वर्सेज वाइल्ड मतलब आप और वाइल्ड और आपके सामने ये ऑप्शन है आप क्या चूज करना चाहिए और चूज करने के बाद कैसे उसका उपयोग कैसे कर, करना चाहिए इन रियल लाइफ वो बैर ग्रिल्स आपको दिखाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट मेक्स फॉर अ गुड एंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग एंड एनलाइटनिंग वॉच ऑल्सो इन्फॉर्मेटिव वॉच ऑल्सो बैर ग्रिल्स इज एप्सोल्यूटली फैंटेस्टिक द लोकेशन द जंगल द माउंटेन्स द रिवर द सी द एनिमल्स फैंटेस्टिक अगेन वट इज नॉट फैंटेस्टिक एंड वॉट इज अग डिसंटमेंट इज द शूटिंग स्टाइल एंड द एडिटिंग ये ना बैर ग्रिल्स के शो का सबसे बड़ा सिग्नेचर बनते जा रहे हैं लास्ट टाइम जब मैंने अक्षय कुमार वाला शो देखा था बैर ग्रिल्स के साथ उसमें भी सेम प्रॉब्लम था शूटिंग और एडिटिंग बहुत खराब कर दिया था यार इतना खराब कि यार शो देखने का मजा ही नहीं है यार मतलब आप एडिट कैसे करते हो क्लोजअप लेते हो फिर उसके बाद एक लॉन्ग शॉट कंटिन्यूसार शॉर्ट का चीज ही नहीं है यार पूरे शो में देर इज वेरी लिटिल लॉन्ग यार एक वन फ्रेम तो रखो ना यार एनिमल है ग्रिल्स है तो एनिमल और bear, bear ग्रिल्स को वन वन टेक में रखो एक कंटिन्यूस सिंगल फ्रेम में रखो यार और उसको एडिट मत करो ज्यादा आप बेर ग्रिल्स के फेस पे फोकस करते हो उसके बॉडी पे फोकस करते हो फिर दूसरे फ्रेम में एनिमल को दिखाते हो ऐसे दिखा रहे कि लायन अटैक कर रहा है और बेर ग्रिल्स भाग रहा है लेकिन यार

लॉन्ग वन सिंगल कंटिन्यूस फ्रेम में आपको बहुत कम दिखेगा बस एक शॉट है वो माइक्रो सेकंड का एक शॉट है बट यार इट ड्रिएट दैट इंपैक्ट इवन एक सीन में जहां चीता को भगाने जाता है वहां पे भी बेर ग्रिल्स का बैक दिखाता है यार तो बराबर से दिखाओ ना वो लॉन्ग कंटिन्यूस शॉर्ट को फिर एक बबून को रेस्क्यू करने वाला सीन इट्स ऑल्सो वेरी बैडली शॉर्ट impact was when Bear मेड is attacked by a python, a boa. एंड ऑल्सो द सीन वेरी रेस्क्यूज एलिफेंट एलिफेंट वाले सीन में लॉन्ग कंटिन्यूसार्स रखा मे बी प्रोबेबलीफेंट्स आर अटिल मोर डोसाइल एस कम्पेयर टू अन विल अटैक यू बिकॉज इट्स अ कार्वर एनिमल एलिफेंट्स आर नॉट तो इसलिए प्रॉबेबली उसको लॉन्ग कंटिन्यूस शॉर्ट में रखा होगा वन सिंगल फ्रेम में रखा होगा बट देन अगेन यू नो शूटिंग नीड्स टू इम्प्रूवर और जो कंटिन्यूस एडिटिंग होता है ना यार वो मल्टीपल टेक्स कट्स मल्टीपल कट्स बहुत बहुत जारिंग है बहुत बहुत डिस्टर्बिंग नहीं बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग है इट टेक्स द मजा आया वे फ्रॉम द व्यूअर्स वाई वॉचिंग दिस पर्टिकुलर शो अदरवाइज इट्स अ ग्रेट शो टू वॉच वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू कीप असाइड द एडिटिंग एंड शूटिंग स्टाइल बट गो एंड वॉच इट स्टिल वर्थ दियोर टाइम यू विल एन्जॉय वॉचिंग दिस जंगल सफारी बाय बेर ग्रिल्स इन अशन विद्टीपल चॉइस ऑप्शन आई एम गोइंग विद्री पॉइंट फाइव स्टार्स फॉर दिस शो आपका क्या टेक है लिख कर बताना छोटा है फोर्टी फाइव से मिनट्स का ड्यूरेशन है जल्दी देख के आप खत्म कर सकते हो मुझे जरूर बताना आपका राय आपका ओपिनियन फॉर द मोमेंट टाटा